दोस्तों आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ पीटून बेसबर्ड्स पिक्सल को, जो कि एक गेमिंग TWS है। तो इसी के बारे में आपको मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगा कि क्या आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें इसके बारे में क्लियर हो जाएं। और दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल ग्रो नहीं हो सकता है। तो आपकी सिर्फ एक क्लिक जाएगी दोस्तों, लेकिन हमारे पास हजारों सब्सक्राइबर आ सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसकी रिव्यू की तरफ, तो देरी ना करते हुए चलिए इसे फिनिश करते हैं। तो दोस्तों रिव्यू में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। तो बिल्ड की अगर मैं बात करूँ तो बिल्ड काफ़ी अच्छी दी है, एक प्रीमियम लुक आपको फील होगी 1400 रुपये के हिसाब से। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है, इजीली आप जो कैरी कर सकते हैं बाइक पे, या आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं पॉकेट में रख रहे हैं तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा छोटा और अच्छा साइज़ है, और जो ग्लोसी फिनिश के साथ आता है तो आपको बाहर से देख के नहीं लगेगा कि ये जो है चीप क्वालिटी के प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ की गई है। लेकिन जैसे आप लीड ओपन करते हैं तो वहाँ पर मुझे समझ आता है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्लास्टिक अगर बेटर यूज़ होती तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 1400 रुपये का प्राइस सेगमेंट जो है एक बड़ा सेगमेंट है, एक मिड रेंज सेगमेंट है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे जो है प्रीमियम जो केसेस देखने को मिल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये और बेटर हो सकता था। अदर्स देखने में दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये लीड ओपन करने का टाइम आपको समझ आएगा कि हाँ थोड़ी सी चीप प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ की गई है। दोस्तों कलर की बात करो तो मैंने व्हाइट कलर में इसको ऑर्डर किया है, व्हाइट एंड ब्लैक है दोस्तों ये, इसका और एक कलर आता है ब्लैक कलर में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको व्हाइट कलर में ही ऑर्डर कीजिए, क्योंकि दोस्तों व्हाइट में क्या है इसमें स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा कम समझ आएंगे, लेकिन ब्लैक में जो है वो थोड़े टाइम के बाद स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना, तो वो आपको ठीक से फील नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो आप व्हाइट कलर खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है व्हाइट चीज़ों को यूज़ करते हुए। अदरवाइज़ आपको नीचे टाइप सी पोर्ट दे रखा है तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, और सामने अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लाइट ब्लिंक होती है जो कि चार्जिंग इंडिकेटर है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका TWS चार्ज हो रहा है या नहीं, आपका केस चार्ज हो रहा है या नहीं। और इसी में दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ इसके ईयरबड्स की क्वालिटी की, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा ही लगेगा, मुझे काफ़ी डिसेंट लगी इसकी जो है TWS की जो है क्वालिटी, काफ़ी ग्लोसी फिनिश के साथ आते हैं और ये वाइट कलर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अच्छा लग रहा है इसको। लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे यहाँ पर लगी है कि इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो चुका है। अगर ये थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन होता, मॉडर्न डिज़ाइन होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ये डिज़ाइन स्टार्टिंग में आया करते थे। लेकिन हाँ यूज़ करने में परेशानी नहीं है, 3.6 ग्राम का वेट है, काफ़ी हल्के हैं, आप इजीली इसको पहन के जा सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कुछ भारी चीज़ पहनी हुई है। आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसमें मूवी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको परेशानी फील नहीं होगी दोस्तों इसको पहनने में। बट हाँ डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे ओल्ड फैशन लगता है, अगर वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से तो ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको सारे के सारे टच कंट्रोल्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पर जो है म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, इसके अलावा कॉल को अटेंड कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट या सीरी का सपोर्ट भी यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। और काफ़ी अच्छी बात इसमें अगर 4 टाइम टैप्स करेंगे किसी भी ईयरबड्स के अंदर तो ये मूवी और गेमिंग मोड में चला जाएगा, और 50 मिलीसेकंड की आपको वेरी लो लेटेंसी देखने को मिलेगी, अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आप गेमिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। गेमिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन हाँ टच फंक्शन भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यूज़ करने में, दिक्कत आपको बिल्कुल फील नहीं होगी इसके टच कंट्रोल्स को लेकर भी। अब बात करते हैं दोस्तों इसका बैटरी बैकअप कैसा है। दोस्तों कंपनी क्लेम करती है कि 20 घंटे का टोटल बैकअप आपको मिल जाता है केस एंड ईयरबड्स को लगा के, लेकिन दोस्तों कंपनी जिस वेदर कंडीशन में इसको टेस्ट करती है वो हमारे ऊपर जो है अप्लाई नहीं होते हैं, हम डिफरेंट वेदर कंडीशन में इसको जो है यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये 16 से 17 घंटे का जो है बैकअप देगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। ईयरबड्स की बात करो तो 3 घंटे का एवरेज आपको बैकअप आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 30 mAh की जो बैटरी ईयरबड्स में मिल जाती है, 300 mAh का जो है केस है, तो टोटल मिला के 16-17 घंटे का बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा। तो इतना भी इनफ होता है दोस्तों, आप कंटिन्यू इतना यूज़ नहीं करते हैं, आप ईयरबड्स निकालते हैं उसको यूज़ करते हैं, केस को चार्ज लगा दीजिए, फिर आप जो है इसमें डाल सकते हैं ईयरबड्स को, फिर चार्ज हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको दिक्कत फील नहीं होगी। और चार्जिंग टाइम की बात करें तो 1.5 घंटा लगता है जो है इसके केस को चार्ज होने में, और ईयरबड्स को भी लगभग इतना ही लगा लीजिए टाइम लगता है चार्ज होने में। मतलब दोस्तों कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन हाँ ये है कि आपको केस से दोनों को निकालना पड़ेगा तब जाके आपका कनेक्ट होगा। हाँ इस प्राइस रेंज में और बेटर आते हैं जिसमें आप जो है केस को सिर्फ लीड को ओपन करते हैं वो ऑटो कनेक्ट हो जाता है, तो वो यहाँ पे होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन यहाँ पर आपको इसको केस से निकालना पड़ेगा तभी दोस्तों ये कनेक्ट हो पाएगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। इसके अलावा IPX4 रेटिंग के साथ आता है, आप जो है ये स्वेट प्रूफ है, और थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें अगर गिर जाती है वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, ईजिली आपका एक काम करेगा, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी माइक क्वालिटी, कॉल क्वालिटी कैसी है। दोस्तों वहाँ पर अगर मैं बात करूँ वहाँ पर मैं उतना सेटिस्फाई नहीं हुआ, मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई दोस्तों इसकी कॉल क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से, क्योंकि 1400 रुपये में काफ़ी बेटर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं।
तो उसके हिसाब से कि जो कॉल क्वालिटी है यानी इसकी जो आवाज़ है थोड़ी सी दबी दबी फील होती है आपको, उतनी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर फील नहीं होती, खुल के आवाज़ नहीं आती है। अगर आप थोड़े से शोर वाले एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर और आपको दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी मैं आपको एक्सपीरियंस के लिए एक ऑडियो सुना देता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड की है इसी TWS के माइक से, उसका आप सुन के खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसकी माइक क्वालिटी कॉल क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी TWS के माइक से रिकॉर्ड हो रही है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इसकी जो है माइक क्वालिटी कैसी है। अभी जो है फैन ऊपर ऑफ है, मैं एक बार फैन ऑन कर देता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको इसकी जो है माइक क्वालिटी किस टाइप की लगी है। तो दोस्तों अभी जो फैन ऑन हो चुका है तो ये थोड़ा बहुत शोर ये क्रिएट करेगा, ये फुल हाई स्पीड में चल रहा है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपको यह है काफी अच्छी जो माइक क्वालिटी प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा दोस्तों ये। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, कि क्या इसमें जो है साउंड जो है इसके ड्राइवर को जस्टिफाई करता है। इसके अंदर दोस्तों हमें 10 mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं, कंपनी बोलते हैं 10 mm के ड्राइवर हैं, और मैंने इसको काफी अच्छे से सुना है, हाई बेस में सुना है, लो बेस में सुना है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रिच बेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक पंची बेस आपको मिलेगा, और जो ट्रेबल है वो भी काफ़ी पंची है इसके अंदर, काफ़ी रिच है, और वोकल्स भी काफ़ी क्लियर है। ऑल ओवर आपको बैलेंस्ड एक्सपीरियंस मिलेगा, सारी चीज़ क्लियर मिलेगी, सब कुछ क्लियर इंस्ट्रूमेंट आपको सुनाई देंगे, मज़ा आ जाएगा आपको सॉन्ग सुन के। तो हाँ साउंड क्वालिटी के लिए डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहेगा, लाउडनेस भी काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, साउंड में ये बहुत अच्छा लगेगा आपको इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। अब बात करते हैं दोस्तों मेन चीज़ जो इसकी मेन हाईलाइट है वो है दोस्तों इसका गेमिंग मोड। आप 4 times टैप करेंगे इसके ईयरबड्स में, दोनों में से किसी भी टैप कर सकते हैं तो गेमिंग और मूवी मोड में चला जाएगा। 50 ms की आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने को मिल जाती है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस में बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, गेमिंग आप आराम से इसके अंदर कर सकते हैं, वहाँ आपको परेशानी बिल्कुल भी फील नहीं होगी, काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस आप ले पाएंगे गेमिंग का। देखिए आप वायर्ड से तो कंपेयर नहीं कर सकते इसकी लेटेंसी को, लेकिन हाँ इसके हिसाब से एक वायरलेस ईयरफोन ईयरबड्स के हिसाब से काफ़ी कम लेटेंसी दे रखी है, आपको काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं आपको गेम प्ले करके दिखा भी दूंगा, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके दिखा दूंगा कि आप ताकि खुद अंदाज़ा लगा पाएँ कि इसकी लेटेंसी कैसी है, क्या आपको ये गेमिंग के लिए परचेज करना चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों मेरे फाइनल वर्डिक्ट की और कंक्लूजन की, कि क्या आपको ये 1400 में परचेज करना चाहिए नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा मिला जुला है, मैं आपको दोनों तरफ से बता दूंगा, मेरा काम है आपके सामने सच्चाई रखना, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको परचेस करेंगे या नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कोई भी चीज़ परचेस करने से पहले आप अपने पहले रिक्वायरमेंट देखिए कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट कॉलिंग है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट साउंड है, क्या गेम है, क्या कम्फर्ट है, इनमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से आपका मैच करता है। तो अगर मैं मेरे फाइनल जो है कंक्लूजन की बात करूं, तो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट साइज़ का TWS चाहिए जो काफ़ी छोटा हो, थोड़ा बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा लगता हो, काफ़ी अच्छी लुक हो, ईयरबड्स जो हल्के हो, कंफर्टेबल हो, गेमिंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए लो लेटेंसी के साथ और साउंड आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी वहाँ पर। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने TWS के अंदर बेटर माइक क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, कॉल क्वालिटी बेटर ढूंढ रहे हैं और बेटर केस क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये परचेज नहीं करना चाहिए दोस्तों, तब आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये है 1399 का आता है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसी प्राइस रेंज में बहुत सारे अदर्स TWS भी आते हैं अलग अलग कंपनी की तरफ से, पीटोन का भी आता है या अदर्स कंपनी के भी आते हैं, तो वो आपको और बेटर जो है डील प्रोवाइड करते हैं माइक क्वालिटी में और प्रीमियमनेस में, तो उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वीडियोस का भी और उसके परचेज करने का भी, तो उनमें आप एक बार वीडियो देख के डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये परचेज करना चाहिए या अदर्स की तरफ जाना चाहिए, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों आई होप सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गई होंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि इसी तरह की वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे। सो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।